वो पिता बचपन से जो है उनकी भक्ति करते थे श्री कृष्ण भगवान जी की, इसलिए राधा के ऊपर भी वही संस्कार हुए। वो संस्कार हुए, उसकी शादी हो गई उदयपुर के महाराज जो है कुंवर भोजराज, उनसे उनकी शादी हो गई। वो महाराणा सांगा के पुत्र थे कुंवर भोजराज, और फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद मीरा जो है बदल नहीं सकती थी, एक ही भक्ति वो करती थी, पति को भूल जाती थी, पति उसके ध्यान भी नहीं रहता। सब लोग तंग आ गए थे ससुराल के, क्या करे इसका। कुछ दिन बाद पति मर जाता है, उसके बाद पति मरने के बाद वो भजन कीर्तन श्रवण प्रभु के भक्ति में लीन हो जाता है। ये मीरा है, मीरा जो आई ना, मीरा जो गई ना वो आने के लिए नहीं गई, वो गई तो गई फिर आने वाली नहीं थी। ये मीरा, परसों बाबा जी ने एक बहुत सुंदर भजन गाया, बहुत सुंदर था, मेरे लिए तो सुंदर था। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, या सरदे के होते है सौदे, आश की इतनी सस्ती नहीं है। कितनी सच बात है, बंदगी जिसे हम समर्पित होते हैं, समर्पण और अनुसरण, ये एक शब्द है। स्वामी जी ने मराठी में बताया है कि एथो अधीन होइजे, एथोनी मनिसले ते कीजे ते अनुसरण, यानी के यहाँ पे अधीन हो जाओ। हम जो कहेंगे, जो भी कहेंगे, हम कहेंगे इस कुएं में कूद लो तो कूद लेने का, हम कहेंगे समुन्द्र में कूदो तो कूदने का, जो भी कहेंगे वो आज्ञा है, ये समर्पण है। तो गोपियां जो श्री कृष्ण भगवान गोपियों की समझ के लिए उद्धव को भेजते हैं, उद्धव तू हमें ये ज्ञान की बातें मत बता, ये प्रेम की बात है, तू नहीं समझ पाएगा, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तेरे बस में नहीं है ये बंदगी, यहां सर देके होते हैं सौदे, सर देकर हम सौदे करते हैं इश्क के। कवि को ऐसा अभिप्रेत है कि सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है आशिकी, सर देके होते हैं सौदे। लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि यहां सर देके होते हैं सौदे, फिर भी आशिकी का कोई मोल नहीं है, फिर भी कोई आशिकी का मोल नहीं है, सर देने के बाद भी मोल नहीं है, ये समझ लो। तो उस भक्ति को हमें वृद्धिंगत करना है। अब भक्ति किस प्रकार से की जाए, भक्ति किसकी की जाए, भक्ति तो भक्ति में प्रकार है ना। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये प्रतिथि पंथ जो देमैसा को, जो देमैसा की मैंने आपको लीला बताई ना, उसी देमैसा को प्रभु जी कहते भाई हाँ प्रतिथि पंथ की, एक विश्वास पंथ आना एक प्रतिथि पंथ, दोनों पंथ है। विश्वास पंथ कैसा, एक गुरु जी थे अपने चेले हैं उनको विद्या पढ़ा रहे, दोनों को विद्या समझ नहीं आ रही, दिमाग काम नहीं कर रहा है, और फिर उसके बाद दोनों भूल जाते हैं, गुरुजी बताते हैं दोनों भूल जाते हैं, एक कहता है ठीक है, गुरुजी कहते हैं ठीक है इस तरह से, तो इस तरह से तुम एक काम करो, जा तू बैला पहला डीए जाऊन बैला मन शंबर मेरा, वहां पे जाके दो घटी का स्मरण कर, यानी कि वहां जाके दो प्रहर जो है ना, दो प्रहर तुम स्मरण करो वहां पे, ये कहो कि मैं बैला यानी कि मैं बैल हूं, और दूसरे कहो तो जा उधर पश्चिम की तरफ, मैं महेश ऐसा कह, तो ठीक है कोई बात नहीं कहते, और फिर दोनों जाते हैं। उसमें से बैला वहां जाके कहता है, वृक्ष के नीचे बैठता है, कहता है कि मैं बैला, ठीक है तू बैला तो बैला, दो प्रहर हो जाते हैं, आ जाता है, कहता है गुरुजी मैं आता है, बैठता है गुरुजी के उसके ऊपर, गुरुजी के ऊपर उसको विश्वास था, इसलिए उसे विद्या हुई। थोड़ी देर बाद महिषा जो है ना, वो महिषा भैंस जिसे हम भैंस कहते हैं, वो महिषा आ जाता है,
शुरू कहते हैं कि गुरुजी, गुरुजी मैं आपका, तो बोले क्या आपने क्या बताया, ये भगवान है, ये जो भैंस है ना, ये भैंसा वहां जाके कुछ नहीं करता, वहां जाके सो जाता है। वो कहते हैं नहीं मैं भैंसा, ये कोई, वो क्या कहता है, ये कोई बताने की चीज है क्या, मैं भैंसा कुछ भी बताते है गुरु जी, ये क्या, इससे कोई विद्या होने वाली, इसलिए फिर वो आ जाता है। तो बोले गुरु जी बैला नहीं आया। बोले आ गया बैला आ गया तो क्यों दिख क्यों नहीं रहा। अरे उसे विद्या हो गई, ये देख मेरे सामने बैठा है। ये है विश्वास पंथ और प्रतीति पंथ। यहाँ का ऐसा नहीं, यहाँ पे प्रतीति देवती, यहाँ प्रतीति पंथों की। इसलिए हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमें इस प्रतीति पंथ में प्रवेश मिल गया। और फिर उन्हें प्रभु जी ने, वो जो भक्तराज मैंने बताया, प्रभु जी ने प्रेम दे दिया चार कली का, यानी कि चहु साधना के साथ डायरेक्ट चार चहु कली का, यानी कि आनंद, यानी कि स्वरूप में प्राप्ति, डायरेक्ट प्राप्ति उसे चार कली का। एक दिन की बात है, न जाने किस वजह से, किस कारण से प्रभु जी बैठे हुए थे आसन के ऊपर, विराजमान थे आसन के ऊपर, हाथ रखे हैं, नीचे उनकी मान चुकी है और उदास है, खिन्न है, पता नहीं इसका कारण क्यों उदास हो गए। लीला चरित्र को भी इसका कारण पता नहीं है कि प्रभु जी क्यों उदास हो गए। कहते हैं थोड़ी देर बाद आप सब यहाँ से निकलो, सब यही भी एक भी नहीं रुकने गया, सब निकलो यहाँ से। और सब निकल जाते हैं, जितने भी भक्त राजे सब वहां से निकल जाते हैं। लेकिन डांगरेश जो है ना, डांगरेश यानी कि कुत्ता, श्वान, आज की भाषा में उसे हम डॉग कहेंगे, वो श्वान जो है ना, वो बैठा हुआ था। प्रभु जी उसे कहते तू भी निकल, तू भी नहीं रुकने का। देखता है प्रभु जी मेरे ऊपर भी गुस्सा हो गया, अरे मैंने क्या किया, मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। तो कहते हैं निकल, बोला चल निकल। और वो प्रभु जी के तरफ घूमता है, चारों चरणों पे मत्था लगाता है और निकल जाता है। सब निकल गए हैं, प्रभु जी अकेले हैं, भक्तराज चले गए, डांगरेज भी चला गया, प्रभु जी उदास हो गए। थोड़ी देर के बाद प्रभु जी प्रसन्न हो जाते और सब भक्तराज आ जाते हैं वापस में, सब आ जाते हैं, लेकिन डांगरेज नहीं आया। हमका प्रभु जी कहते हैं हमका तुम्हें हो गया आले थी आना, डांगुरिया तो न दिसे, आप सब आ गए लेकिन डांगरेश नहीं दिख रहा है, डांगरेश कहाँ पे है। कहते हैं ढूंढो उसे, जाओ ढूंढो कहाँ पे, देखो। तो हमारे जो आचार्य जो है ना, वो कहते हैं गेला से लालिया पालिया पोड़ भरेला, गया होगा कहीं पे पेड़ भरने के लिए। नहीं वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो जाओ ढूंढो, सब जाते हैं ढूंढते हैं देखते हैं, तो आचार्य जी को वो दिखते हैं कि उन्होंने एक कीचड़ में अपना जो मुंह है वो घुसाकर प्राण त्याग कर दिए हैं, वो देह से निकल चुके हैं। देखिए परमेश्वर का वियोग, भक्ति देखिए, इसे भक्ति कहती है, जिसमें भक्ति की पूर्णता होती है ना, वो कभी ईश्वर के बिना रह नहीं सकती। आज के लोग भक्ति करते हैं, आज के जो गायक हैं वो कहते हैं प्रभु क्या देखू तेरी आंखों के नूपुर को, देखो शब्द देखो मत देख, जल जाएगा आंखें, जल जाएगी, अंधा हो जाएगा, फिर भक्ति नहीं कर पाएगा। और शब्द क्या है, देखू तेरी आंखों के नूपुर को, अरे नूपुर कहा, नूर कहा, नूर शब्द का अर्थ क्या होता है, नूपुर शब्द का अर्थ क्या होता है, दोनों शब्द वृश्चिक राशि के हैं। नूपुर यानी के पैंजर, पायल, वो भी कहती है प्रभु को कि तुम भी मेरे बिना अधूरे हो। और नूर, नूर यानी के प्रकाश, दिव्यता, शोभा, आभा, कांति, ज्योति, उसे नूर कहते हैं। और सूफी संप्रदाय में नूर जो है वो ईश्वर को भी कहा। इसलिए डांगरेश की तरह
जो रंदेश का देह गया और देह जाने के बाद वो परमेश्वर भक्ति में विलीन हो गया। अब ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं बताने लायक, लेकिन टाइम ना होने की वजह से, और हाँ, ये दिल्ली की तख्त पर और दिल्ली के माइक पर मेरा ये पहला अवसर है जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। मेरे अगर कोई शब्द गलत हो गए हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय।